बच्चों हमने आज 11वें टॉप के बाकी बच्चों के क्वेश्चन करा रहे हैं। आपको मैं एक बार और पोयम का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। इसमें किंगफिशर एक पक्षी है जो 11वें यानि अमलतास के वृक्ष के अंदर आता है, और जब वह आता है तो डाली के एक किनारे पर बैठता है, फिर धीरे 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 वो अंदर प्रवेश करता है, अपने बच्चों के पास जाता है, और जैसे ही जाता है तो वृक्ष जो शांत खड़ा हुआ है, सीधा खड़ा हुआ है, उसमें हलचल मचने लगती है, और उस हलचल के कारण ऐसा लगता है कि कोई मशीन चालू हो गई है, जैसे इंजन मशीन का मशीन चालू होने के पहले शांत रहता है, तो जैसी मशीन चालू होती है तो उसमें खट 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 की आवाज़ आती है। वैसे ही जब तक पक्षी अंदर नहीं आता है वह पेड़ शांत रहता है, और जैसे ही धीरे धीरे अंदर आता है चहचहाट उत्पन्न हो जाती है, बच्चे चू चू करने लगते हैं, और वहाँ पर पेड़ में एक अजीब टाइप की हलचल उत्पन्न हो जाती है। फिर पक्षी क्या होता है, मोटी डाली से निकलकर धीरे 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 शांति के साथ पतली डाली पर रहता है और आकाश में यहाँ पर उड़ जाता है। उसी पूरे चित्रण को यहाँ पर 11वें टॉप में बताया गया। उसके बाकी बचे क्वेश्चन इस प्रकार हैं, Why is the image of the engine? Why is the image of the engine? Image यानी चित्र, इंजन evoked by the poet, यानि उसने एक इंजन की छवि इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में क्यों बनाई है। मैंने आपको तो समझाया था अभी कि देखिए, जैसी पक्षी अंदर प्रवेश करता है तो वृक्ष में चहचहाट आ जाती है, और इस चहचहाट के कारण बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट होता है जैसे इंजन जब शांत रहता है तो कुछ नहीं होता, और जैसे ही मशीन चालू होती है, इंजन चालू होती है, तो उसमें खड़खड़ की आवाज़ आने लगती है, वैसी वृक्ष में भी करने लगती है। इसलिए कवि ने इसको इंजन की छवि के साथ निखारा है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर मैं देखूं, द इंजन इज द, देखिए क्या लिखा है, द इंजन, ये इंजन की स्पेलिंग है, देख लीजिएगा, इज द सोर्स, सोर्सेस टू रन अ मशीन, जो इंजन होता है वो मशीन को चालू करने का स्रोत होता है। क्लियर, द वर्ड इज टू अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो अभी मैंने क्या बताया, जैसे ही आपके पास इंजन शांत रहता और स्टार्ट होता तो हड़बड़ हड़बड़ मच जाती है, वैसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मशीन है वो शांत और चालू हो गई, वो सोर्स ऑफ इंजन है। ठीक वैसे ही पक्षी भी क्या हो गया, एनर्जी का सोर्स है, वो पक्षी आ रहा है, आके उसमें खबर की साउंड आने लगता है, फॉर इट्स फैमिली, अपनी फैमिली के लिए वो भी एनर्जी का स्रोत है, विदाउट द वर्ड इट्स फैमिली कैन नॉट सर्वाइव, सर्वाइव यानी जिंदा रहना, है ना, ये हो गया जिंदा रहना। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, उस पक्षी के बिना उसकी फैमिली जिंदा नहीं रह सकती है, बताने की यहाँ पर कोशिश की है। एज विदाउट द इंजन द मशीन कैन नॉट वर्क, जैसे आपके पास, आपको मालूम है कि मशीन के बिना इंजन नहीं चल सकता है, क्योंकि वो सोर्स है उसका एनर्जी का, वैसे ही फैमिली में वो वर्ड है जो कि आई हुए, वो एनर्जी का स्रोत है। जैसी मशीन चलती खड़खड़ आने लगती है आवाज़, पूरा वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है, वैसे जब पक्षी आता है तो वहाँ पर वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है, यही बताने का प्रयास लेखक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द पोयम, इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट डू यू मोस्ट, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, ठीक है, आपने
वॉट डू यू लाइक, लाइक यानी पसंद करना है ना, पसंद। आपने पोयम में सबसे ज्यादा क्या पसंद किया है, यानी पोयम में आपको क्या पसंद आया, ये लिखा है। पोयट कविता के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है या क्या पसंद आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। द आई तो ये आंसर है आई लाइक द सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी यानी क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल, अच्छा सा है ना, सरल, ठीक, ऑफ द पोयम, ठीक। तो पोयम बिल्कुल सिंपल है, सरल है। इट्स प्रेजेंटेशन इज वेरी पिक्टोरियल एंड द वे द पोएट कंपेयर द बर्ड बर्ड्स मूवमेंट। पिक्टोरियल है नहीं, क्या आ गया, देखिए ये वर्ड हमारे पास है पिक्टोरियल, पिक्चर से रिलेटेड, एक आपको इमेज, एक आपको चित्रण होता जाता है। तो देखिए वही बताया है, इट्स प्रेजेंटेशन इज वेरी पिक्टोरियल। पिक्टोरियल यानी बिल्कुल आपको एहसास होता है कि पक्षी आ रहा है, पेड़ शांत था, अब उसमें हड़चल मच गई है, तो ये पिक्चर को दर्शाने लगता है, ठीक है। एंड द पोएट कंपेयर द बर्ड्स मूवमेंट विथ लिजार्ड एंड इंजन। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन बताया था, जैसे टिपकली चिकनी होती है, एकदम से चलती है और बड़ी एनर्जेटिक होती है, वैसी पक्षी बहुत चिकना है, अचानक आया, उसमें एनर्जी है, एंटर कर गया, तो इसलिए लेखक ने उस पक्षी की तुलना को किससे किया है, छिपकली से किया है। और जैसे ही पक्षी वृक्ष के अंदर आता है तो इंजन चालू हो जाता है, इसलिए उसने इसकी तुलना इंजन से की है, यानी एक पक्षी की तुलना छिपकली और इंजन से कवि ने की है। दैट मीन इट इज वेरी डिस्टिंग, इसलिए यह इसको बहुत अच्छा स्टिंग, अलग से रोचक बना देता है, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द फ्रेसेस हर बैरेट फेस आइडेंटिटी मास्क मीन, यानी हर बैरेट फेस आइडेंटिटी, इस वाक्य का मतलब क्या है, हर बैरेड फेस आइडेंटिटी, इस वाक्यांश का मतलब क्या बताया गया है पोयम में। जब आप पोयम पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो ये सेंटेंस आया होगा, तो इट मींस दैट द वर्ड बैरेड और कोवेटेड, इट मींस दैट द वर्ड बैरेड और कवर्ड फेस बिकम आइडेंटिटी मास्क रिकॉग्निशन, यानी क्या हो गया, एक जो पक्षी है, पक्षी क्या कर रहा है क्या? आप देखिए यहां पर वर्ड यूज किया हुआ है बैरेड और कवर्ड फेस बिकम आइडेंटिटी मास्क रिकॉग्निशन, जैसे अपन कवर करके चलते ना और अपनी आइडेंटिटी देते हैं, ठीक वैसे ही यहां पर पक्षी की बैरेट फेस आइडेंटिटी को, यानी एक कवर किए हुए मास्क के कवर किए हुए आइडेंटिटी को यहां पर पक्षी के फॉर्म में बताया हुआ है, ठीक है। तो सारे हो तो बच्चे इन क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से हो तक कर लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, इसमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेगा। एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस पोयम। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द नेक्स्ट लेसन।